बच्चों, सो बेसिकली आज हम नाउन पढ़ेंगे। सो नाउन होता नाउन आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन की में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। कन्वेंशनल अप्रोच, एंड मॉडर्न अप्रोच, नाउन नाउन यानी संज्ञा। सो नाउन क्या होता है कि नाम किसी भी चीज का नाम होता है। कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसे जैसे राम, हम, जैसे क्या बोलते हैं, लड़के, लड़का, लड़की, कुछ भी देखते हैं तो हम उस चीज को नाउन कहते हैं। नाउन यानी नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन 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 किसी इंसान के नाम को रेफर करता है, या जानवरों के नाम को रेफर करता है, या फिर कोई जगह है, या फिर कोई चीज़ है, और या फिर कोई आइडिया है। नाउन इसी चीज़ को रेफर करता है। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा यानी संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम का बोध होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो राम राम क्या दिखा रहा है? किसी व्यक्ति को दिखा रहा है। बॉय लड़का, लड़का यानी किसी जाति को दिखा रहा है। तो राम भी यहाँ पे नाउन है और बॉय बॉय लड़का भी नाउन है। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो द काउ यहाँ नाउन है क्योंकि गाय एक पालतू जानवर है। तो गाय गाय क्या दिखा रहा है? किसी जाति को दिखा रहा है। और डोमेस्टिक एनिमल्स 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 यानी जानवरों की पूरी जाति को दिखा रहा है। सो इसलिए ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है। द आर्मी वॉन द बैटल, आर्मी वॉन द बैटल, यहाँ आर्मी एक नाउन होता है। आर्मी ऐसा नाउन क्यों है? क्योंकि आर्मी एक पूरी यूनिट को दिखा रहा है कि उन्होंने लड़ाई जीती। गोल्ड इज अ मेटल, मेटल यानी गोल्ड। गोल्ड क्या है? गोल्ड कोई द्रव्य या कोई सामान को दिखा रहा है कि यह एक मेटल है, धातु है। अब देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक पुराने जमाने के अकॉर्डिंग और एक दूसरा नए जमाने के अकॉर्डिंग। यह पुराने जमाने का अकॉर्डिंग और दूसरा नए जमाने का अकॉर्डिंग। पुराने जमाने के अकॉर्डिंग नाउन के पांच प्रकार होते हैं। नए जमाने के अकॉर्डिंग नाउन के दो तीन प्रकार होते हैं। पुराना यानी कन्वेंशनल अप्रोच, नए मॉडर्न अप्रोच। अब कन्वेंशनल अप्रोच देखते हैं। पुराने जमाने के अकॉर्डिंग नाउन के पांच प्रकार होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। नए जमाने के अकॉर्डिंग नाउन के तीन प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलके हो जाते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में आपका हो जाता है मेटेरियल नाउन, और क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम नाउन के पुराने जमाने के अकॉर्डिंग जो है उनके प्रकार को
डिफाइन करेंगे और समझाएंगे आपको क्या होते हैं पुराने नाउन। तो नाउन के पुराने जमाने के अकॉर्डिंग नाउन का जो पहला प्रकार होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, यानी व्यक्तिवाचक समूह। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, खास पर्सन, व्यक्ति, स्थान, कोई खास जगह या किसी खास वस्तु के नाम को दर्शाता है। यह किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को दर्शाता है। जैसा कि अब हम इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। नेम इज अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सोहन इज अ स्टूडेंट, सोहन इज अ स्टूडेंट, इसमें क्या है, सोहन क्या है, सोहन किसी नाम को दर्शा रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने क्या बोला, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भी होता है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम को दर्शाता है, प्लेस के नाम को दर्शाता है और किसी चीज के नाम को दर्शाता है। इसलिए सोहन इस यहाँ पे सोहन आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसमें न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली किसी जगह का नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रॉपर नाउन में किसी नाम को दर्शाया जाता है, इसीलिए न्यू, जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो न्यू दिल्ली क्या है, किसी जगह के नाम है, तो इसलिए न्यू दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यह सन क्या है, सन भी किसी चीज के नाम है, जैसे सूर्य है, सूर्य के नाम को हम सन रखें, तो ये भी किसी नाम को दर्शा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन हो जा रहा है। हम देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, ये किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु के संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे बॉयज, लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक किसी जाति है। गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, लड़की, लड़की किसी जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे गर्ल्स आपका क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, बॉयज, हाँ बॉयज भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो हमने क्या बेसिकली लिखा था, जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपूर्ण जाति का, जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध होता है, तो आपको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं मैन इज अ मोर्टल। तो मैन, मैन क्या होता है, मोर्टल होता है। तो मैन क्या है, यहाँ पे मैन किसी जाति को बोध कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें किसी जाति का बोध होता है, जैसे मैन की जाति, इंसानों की जाति, तो यहाँ पे मैन आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय, गाय क्या है, गाय एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो गाय आपका यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाए। द बुक, बुक क्या, किताबें, किताबें यहाँ पे आपका हो जाएंगी, किताबें भी कोई किसी जाति का ही बोध करा रहा है ना, या किसी श्रेणी या मतलब, तो इसलिए आपके बुक्स भी यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह के नाम को दर्शाता है। जैसे द आर्मी वन द बैटल, जैसे हमने देखा पहला वाला द आर्मी वन द बैटल। तो आर्मी क्या है, आर्मी किसी जाति के नाम को दर्शा रहा है, किसी समूह के नाम को दर्शा रहा है, जैसे आर्मी, सेना। तो यहाँ पे आपका आर्मी क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। दूसरा है देयर आर 10 कीज इन दिस बंच, 10 कीज इन दिस बंच। ये बंच क्या है, बंच गुच्छा, गुच्छा यानी किसके गुच्छा, चाबियों के गुच्छे को, तो चाबियों के गुच्छे को दर्शा रहा है, इसलिए आपका ये बंच भी यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। तो समूहवाचक क्या होता है, किसी संज्ञा, फिर से मैं बता देना, समूहवाचक संज्ञा आपके किसी भी व्यक्ति या समूह के नाम को दर्शा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति के समूह या वस्तु के समूह का नाम दर्शा रहा है, इसलिए आपको समूहवाचक संज्ञा है। अब हम चौथा है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है, कि एक
किसी भी द्रव या उसके भार वेट को या फिर मेजर क्वांटिटी है इनको दिखाता है, ये काउंटेड नहीं होता है। एंड इसका डिफिनेशन देख लिया, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैंट बी काउंटेड। यानी मटेरियल नाउन चीजों के नाम को दर्शा रहा है, उन चीजों के नाम को दर्शा रहा है जिनको हम मेजर करते हैं या फिर नापते हैं या फिर तोलते हैं, बट लेकिन उसे गिन नहीं सकते। तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। गोल्ड क्या है जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, बेसिक थिंग है जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, गोल्ड को हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, तो आपका गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया। वाटर इज अ लाइफ। वाटर क्या है, वाटर को हम नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, तो वाटर आपका क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन हो गया। अब जो पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या, वैसी वस्तुओं के नाम को बोध कराती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। यानी भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी फिर सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ऐसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका ये भाववाचक संज्ञा है। मर्सी, मर्सी यानी दया। दया को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। अब हम फिर से डिवीजन कर लेते हैं इसका क्या पढ़ा। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति को के नाम को दर्शाता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को के नाम को दर्शाता है। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस में देखा, पीछे देखा कि जैसे सोन है, जैसे तो सोन क्या है, नाम। तो नाम क्या है, नाम किसी व्यक्ति का नाम है, तो यानी किसी पर्सन के नाम है, तो इसलिए तो ये क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन में आ जाता है। दूसरा देखते हैं काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी जाति के नाम को या किसी समूह, मतलब किसी समूह नहीं, जाति, जाति के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में क्या, जैसे गाय किसी जाति है, इंसान, इंसान की भी अलग ही जाति है, मैन। सो ये आपका कॉमन नाउन था। कलेक्टिव नाउन में क्या देखा, किसी समूह के जाति, समूह या के नाम को हमने कॉमन नाउन दिया। तो समूह, समूह क्या यानी आर्मी, यानी आर्मी, आर्मी एक समूह है, समूह के नाम को हमने क्या दिया, समूहवाचक संज्ञा दिया। मटेरियल नाउन यानी जिससे नाप या तौल सकते हैं, बेसिक इतना ध्यान रखें कि जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। वाटर, जैसे वाटर, वाटर को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसी को हम भाववाचक संज्ञा। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्ट, मर्सी, मर्सी क्या है, दया, दया को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देख सकते, तो ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बोलते हैं मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हम पहले ही देख चुके हैं, जान चुके हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाता है, नाम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम को दर्शाता है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा क्या क्या होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, वैसी संज्ञा जिनकी जिनकी गिनती संभव है उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम कॉमन
क्या बोलते कॉमन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को नाउन को रखे हैं। इसके अंदर कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, तो इन दोनों संज्ञाओं को हम काउंटेबल नाउन कर रहे हैं। इसके डिफिनेशन हो जाएगा आपको, इसका नाउन इसका डिफिनेशन नाउन दोज कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे जैसे राम काऊ, काऊ क्या है इनको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो ये क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन आ गया। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, वैसी संज्ञा जिनकी गिनती संभव नहीं है उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, सिर्फ नाप ही नाप या तौल सकते हैं, तो ये आपको मटेरियल नाउन में आ जाएगा। लव, प्यार को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, तो ये आपको अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। काइंडनेस को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, तो ये आपको ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। सो इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। सो इसका डिफिनेशन है नाउन दोज कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो फिर से मैं इसको समराइज कर लेता हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दर्शाता है। नाम किसी प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दर्शाता है। सो इसलिए प्रॉपर नाउन आ जाएगा। काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, तो जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं इनको गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है तीसरा, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, तो गोल्ड लव काइंडनेस इसको गिन ही नहीं सकते हैं, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अंतर्गत आपको आते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन, तो इनको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे राम, राम क्या है, राम क्या है कौन सा नाउन है, राम आपका क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन हो जाएगा। राम क्यों प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दर्शा रहा है। वैसे ही पटना, पटना कौन सा नाउन हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मर्सी, मर्सी मर्सी क्या है, किसी भाव को दर्शा रहा है, दिखा नहीं रहा है सिर्फ फील करा रहा है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वैसे ही है बॉय, लड़का क्या है, लड़का कौन सा नाउन हो जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों हुआ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इसलिए हुआ क्योंकि किसी जाति को दर्शा रहा है, किसी जाति को दर्शा रहा है, ये किसी जाति को दर्शा रहा है। वैसे ही आपका ऑयल, ऑयल क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्यों हुआ, क्योंकि इसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। वैसे ही आपको क्लास, क्लास क्या हो जाएगा, क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा, क्लास आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या है, क्लास किसी मतलब बहुत सारे लड़कों
जब पढ़ते हैं एक साथ तभी तो क्लास बनती है, तो इसीलिए आपका ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वैसे ही आपको न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों, ये किसी नाम को दर्शा रहा है। क्लास क्यों हुआ, क्योंकि किसी समूह को दर्शा रहा था। ऑल क्यों हुआ, क्यों मटेरियल नाउन हुआ, क्योंकि ये जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। लड़का क्या है, किसी जाति का बोध करा रहा है ना, किसी जाति को दर्शा रहा है, इसलिए आपका कॉमन नाउन हो गया। मर्सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मर्सी क्या, क्यों, मतलब मर्सी को हम सिर्फ फील तो ही तो कर सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस ही तो कर सकते हैं, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें मैं मॉडर्न अप्रोच से पूछूं कि कौन कौन से नाउन हो जाएंगे, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका कौन सा नाउन हो जाएगा बताइए, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन सेम वही है जिस किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को दर्शाए, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी नाम उसके नाम को दर्शाए। तो पटना भी प्रॉपर ही नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, क्या गिन सकते हैं, क्या दया को गिन सकते हैं क्या, मैं तो नहीं गिन सकते यार। वैसे लड़का क्या, लड़कों को तो गिन ही सकते हैं, इसको अकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, अकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको नहीं गिन सकते। मटेरियल क्या है, ये ऑयल क्या है, ऑयल क्या है, ऑयल को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्लास क्या है, क्लास को हम गिन सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं गिन सकते यार, क्लास में जितने लड़के हैं उनको गिन तो सकते ही है, तो आपका ये क्या हो जाता है, अकाउंटेबल नाउन हो जाता है नाउन। अरे न्यू दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन। सो थैंक यू, एंड आप अपने अपने नाम के नाउन बता के मुझे भेजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।